अस्सलाम वालेकुम, देसी जायका विद जीनत में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश मसाला फ्राई। आज की जो रेसिपी है मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं एज अ गेस्ट शेफ। उम्मीद करती हूँ आपको गेस्ट शेफ की रेसिपी जरूर पसंद आएंगी। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब फिश मसाला फ्राई कैसी बनती है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मैं आज आपका मेजबान तौसीफ इमरान। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला फिश फ्राई। ये आम फिश फ्राई के जैसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि मसाले में हम लोग फिश को फ्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और इन सारी चीजों के लिए, ये फ्राई करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने इसमें 350 ग्राम्स मछली ली हुई है, और इसमें हमने एडिशनली पेस्ट लिया हुआ है जिसमें हम लोग फ्राई करेंगे, मछली को बनाएंगे। और इस पेस्ट की रेसिपी जो है मेरी वाइफ के पिछले वाले फिश फ्राई वाले वीडियो में उसकी रेसिपी दी गई है, तो आप लोग वहां पे, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाकर उसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं और देखते हैं कि कैसी बनती है। तो मसाला फिश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये पेस्ट को और भी लिक्विड करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे और देखते हैं कैसे मिलाते हैं। तो मैं आपको अगला पानी मिलाया हुआ वर्जन बताता हूँ एक मिनट में। तो ये देखिए मैंने कितना पतला कर लिया है इसको, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए मसाला फिश फ्राई बनाने में। तो चलिए देखते हैं अभी कैसे बनता है। तो मैंने तवे पे 3 टेबलस्पून जितना तेल कोकोनट ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गरम भी कर लिया है। तो अभी जब तेल गरम हो जाएगा, जब तेल गरम हो जाए तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग डालेंगे 4 से 5 करी पत्ते के करी लीव्स डालेंगे। जैसे ही करी लीव्स थोड़ा भून जाएंगे हम इसमें अपना जो बनाया हुआ जो मसाले वाला पेस्ट जो है लिक्विड वाला उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा मिला लेंगे और जैसे जैसे ये पकता रहेगा वैसे वैसे गाढ़ा भी होता जाएगा। तो और हम लोग जितना भी हमारे पास में जो लिक्विड पेस्ट बना के रखे हैं तो उसको मिलाते जाएंगे और मछली को रोस्ट करते जाएंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग इसमें मछली डालेंगे। तो ये देखिए मैंने उसमें मछली डाल दी और नीचे वाले हिस्से को मसाला लग रहा है तो ऊपर वाले को नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ थोड़े थोड़ा मसाला और ऊपर से स्पून लेके इस मछलियों के ऊपर डाल दूंगा। तो ये देखिए अभी मसाले में अपनी मछली जो है सबमर्ज हो चुकी है, तो अभी इसको हम पकने के लिए देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगी और मसाला जो है और वो भी गाढ़ा बनता जाएगा, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद में। अभी अभी इसको तकरीबन 10 या 15 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे और पकाते पकाते हम लोग
हल्के हाथ से मछली उलट पलट भी कर लेंगे, फ्लिप करके दूसरे साइड भी पकने के लिए देंगे मसाले में। तो चलिए 10-15 मिनट के बाद में मिलते हैं दोबारा। तो देखिए अभी पानी कैसे गिर के मसाला बच गया है नीचे, तो इसी मसाले में हम इस मछली को फ्राई करेंगे। और अभी 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको एक साइड पका लिया है, अभी दूसरे साइड के लिए इसको फ्लिप कर देंगे। और फ्लिप करने के टाइम में थोड़ा हल्के हाथ से कीजिए, वरना मछली टूट भी सकती है। तो देखिए मैंने उसको फ्लिप कर लिया है, अभी जो मसाला जो है नीचे जो पड़ा है मैंने इस मछली को इस साइड में लगा दूंगा। आमतौर पर आप देखते होंगे कि फिश फ्राई तेल में फ्राई की जाती है, मसाला मछली को पहले ही लगा दिया जाता है फिर उसको तेल में फ्राई करते हैं। तो इसमें हम लोग मसाले में मछली को फ्राई करेंगे, तो इससे क्या होता है तो मछली जो है मसाला अच्छा जज्ब कर लेगी और मसाला भी गाढ़ा जैसे होता रहेगा तो उसमें उसके अंदर भी बहुत मजा आता रहेगा, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये मसाला। इस तरीके से मैंने फ्लिप भी कर लिया और मसाले को थोड़ा ऊपर भी डाल दिया मछलियों के। अभी और इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं, मैं इसको खुला रख के ही पकाऊंगा क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी गिर जाएगा और मसाला जो है बहुत अच्छा रोस्ट होगा, मसाला भी रोस्ट होगा मछली भी रोस्ट होगी मसाले में। तो आज का ये वीडियो जो है मैं रेगुलरली वीडियोस पे नहीं आता, मैं नहीं बनाया करता, मेरी वाइफ वीडियोस बनाती है और अपलोड करती है। जैसे जैसे मीडिया में गेस्ट एडिटर होता है तो मैं आज का गेस्ट मेजबान हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए मसाला नीचे से भी लगने लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे जो मसाला हमने बना के रखा था कच्चा वाला उसको और थोड़ा डाल देंगे। ये देखिए तो चलिए और इसको 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। देखिए अभी हमने इसको 5 से 6 मिनट तक इस साइड भी पका लिया है, तो मसाला भी अच्छे से मछली में लग गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मछली भी बहुत अच्छी से पकी है, देखिए बहुत अच्छे से मछली भी पक गई है। तो डिफरेंस क्या है इस मसाला फ्राई में और फिश फ्राई में, नॉर्मल जो तेल में तली जाती है उसमें मसाला जल जाता है मगर इसमें मसाला जलता नहीं है, पकता है, इसलिए क्योंकि हमने इसमें पानी मिलाया होता है। तो पानी जैसे जैसे जज्ब होता रहेगा मसाला गाढ़ा बनता रहेगा और पकता रहेगा। तो हमारी मछली अच्छे से बन गई है, मसाला भी पक गया है, चलिए आपको डिश आउट करके बताते हैं। तो हमने प्लेटिंग कर ली है, देखिए कितनी सुंदर नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी बनी है, मसाला भी बहुत अच्छे से पका हुआ है और मसाला एकदम ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ा गीला है, बहुत खाने में बहुत लजीज लगता है। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।